टिड्डी दल का आक्रमण, कोरोना वायरस से भी बड़ा संकट, किसानों के लिए खतरे को घंटी। न्यूज मिशन में आपका स्वागत है। न्यूज मिशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मध्य प्रदेश से टिड्डी दल सातपुड़ा पर्वत मार्ग से संतरा उत्पादक महाराष्ट्र के अमरावती जिले वरूरवा मुशी तहसील में पहुंच गया है। उससे भी बड़ा टिड्डी दल का आक्रमण हुआ, किसानों के लिए यह खतरे की घंटी है। प्रति घंटा 16 किमा रफ्तार से यह टिड्डी दल आगे बढ़ रहा है। टिड्डी दल ने अमरावती जिले के मुशी तहसील में आक्रमण करने के बाद सुबह वरूर तहसील में प्रवेश किया। उत्तम गांव कलसवाड़ा काचुरना में पहुंच गया है। संतरा बाग उत्पादक किसान इस हमले से भयभीत है। टिड्डी दल सब्जी समेत हरे भरे पेड़ों के पत्ते खाते हैं। लाखों की संख्या में पहुंची टिड्डी दल करोड़ों का नुकसान करने की संभावना है। पाला भिवकरंडी हिवरखेड के संतरा पेड़ मक्का कनरी पर आक्रमण किया, पूरे पत्ते टिड्डी दल ने चीट कर दिए। टिड्डी दल पहले राजस्थान पहुंचा, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य में अलर्ट जारी किया है। यह टिड्डी दल अप्रैल के दूसरे सप्ताह राजस्थान के 18 और मध्य प्रदेश के 12 जिले में फसलों तबाह कर टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के झांसी व आगरा पहुंचकर वहां के 17 जिलों को नुकसान पहुंचाया। अमरावती जिला प्रतिनिधि प्रवीण झोलेकर। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में पाड़ा भाईपुर भिवकुंडी कोपरा हिवरखेड़ इस एरिया में टिड्डू की बड़ी संख्या में धाड़ आई है। उसको मराठी में टोलदाड़ बोलते हैं। करोड़ों की संख्या में 3 किलोमीटर का पट्टा उसने आगे आगे वो बढ़ रही है। कल कोपरा में उसका रहवास था और हर एक संतरे के झाड़ के नए पन्ने मक्का वेजिटेबल्स वो सब फस्त करके वो सब खाके काश्तकारों का नुकसान कर रही है। बहुत सारे काश्तकारों के मुझे फ़ोन आए वहाँ पे देखने के बाद में वो काश्तकार रोने पे आ गए, क्योंकि जो फसल संतरे की अभी आंबिया बाहर की निकलने वाली है वो बाहर भी उसने फस्त किया है। ये टोलधाड़ के ऊपर कल कोपरा के वहाँ पे कुछ फवारनी की गई लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अग्निशामक दल फायर ब्रिगेड के पंप से बड़ी मात्रा में फवारनी करना जरूरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आई हुई टोलदाड़ ये आगे आगे बढ़ते रहेगी और मोर्शी और वरुड का संतरा इलाका है उसका भारी मात्रा में नुकसान काश्तकारों का होने वाला है, हो रहा है। शासन को भी विनंती है कि तुरंत उसकी उपाय योजना करे और ये टोलदाड़ के ऊपर टिड्डू धाड़ के ऊपर नियंत्रण करे और जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है उनको नुकसानी का मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इमीडिएट सर्वेक्षण भी शुरू करें और उनको मुआवजा दें।